आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू को उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद आर साहब जो की एक जबरदस्त जियो एक्सपर्ट है वो है तो पाकिस्तानी बोल के पर अमेरिका में रहते हैं और खास बात यह है कि आजकल वो हमारे प्यारे देश भारत में है तो चलिए जानते हैं कि आज वो भारत के किस शहर में और भारत और भारतीयों के बारे में वो क्या सोच रखते हैं और उनका भारत में कैसा एक्सपीरियंस रहा तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग विडियो लाते रहे जय हिंद जय भारत फिफ्टी वन परसेंट खात आपने घरों में बंद करके ताले लगाकर चाबियां गुम कर दी हैं कि क्यों कर रही हैं बांग्लादेश ने तरक्की की थी इन औरतों की वजह से स्वेट बनाई थी उन्होंने उन्होंने काटन की फैक्ट्रियों में इन औरतों को एंगेज किया था ये क्यों नहीं सीखते आप ये मौलवी भाईजान से दो साल की छुट्टी ले लें प्लीज इनके पाव पड़ जाए इनके के कहें कि हमें दो साल के लिए छोड़ दें खुदा रहा इन कौम की बच्चियों को इस तरह नाम घसीट घसीट के मारो लोग देख रहे हैं और जो मौलवी है वो जो आया था उसका फैसला करने के लिए वो कहता मुझे पढ़ने नहीं आता हम्म और फिर मैं मैं क्या करूं इस बहुत बड़ी खबर बीबीसी ने चलाई सीएनएन ने चलाई किसने वो खबर नहीं चलाई फिर बहुत आ, बुरा था लोगों था। था। जी। खुदा रहा इन बच्चियों को छोड़ दो यार खुदा रहा आप मस्जिदों में आप जहां से आए हो मस्जिदों से निकल के वहां लोटे सेफ नहीं है ग्लास सेफ नहीं है पंखे चोरी हो रहे हैं वहां पे वहां पंखों की हिफाजत करो इन बच्चियों को छोड़ दो यार खुदा का नाम तरस करो इस पाकिस्तान के ऊपर तरस करो लेकिन क्या कर चले लेकिन उसमें आरजू मैं कहता हूं वहां से पठान भाइयों से सीख लो अफगानियों से जिस तरीके से तुम्हारे डॉलर सारे यहां से उठा के ले गए थे कोयला लेके आते थे वो कहते थे रुपए तो में नहीं पेमेंट लेंगे डॉलर में दो आपको बैंक करप्ट कर गए अफगानी सर कनाडा जाके भी तो पियाइए के जो एम्प्लॉयज है वो गायब होते जा रहे हैं आज फिर एक और गायब हुआ दस हो गए साल में इंटरनेशनल न्यूज बनी है और जाति दफा मोहतरमा थैंक यू थैंक यू सर उनके बाद एक और गायब हो गए लेटेस्ट भाई ये जहाज ही नहीं आएंगे वापस पायलट भी भाग जाएंगे आप कह रहे हैं एयर पता नहीं पायलट किस तरह वापस चले जाते ये तो अभी बहुत कुछ होगा लेकिन करने वाले पता नहीं क्या क्या वजह है क्या रोक रहा है इस वक्त पाकिस्तान के जो डिसीजन लेने वाले उनको क्या हो चुका है वो क्यों नहीं इस मुल्क को बचाने के लिए कोई एक्टिव हो रहे हैं? मेरी समझ से ये बाहर है मैं अब तो चंडीगढ़ में बैठा हूं अमृतसर ये दिल्ली वगैरह यहां से 100 मील दूर है मेरा मेरा मुल्क सौ डेढ़ मील आग लगी पड़ी लोग जाने बचा बचा के भाग रहे हैं क्या वजह है क्यों नहीं तरस कर रहे इस कंट्री के ऊपर क्यों नहीं ये कोशिश कर रहे कि ब्लीडिंग बंद की जाए जर्नैलों के बच्चे अब कहते हैं हम पा... उमर उमर अगले प्राइम मिनिस्टर वो कैंडिडेट दोनों दोनों के है। दोनों के बाप उन्होंने कहा जनरल हक का दौर जो एक बदतरीन दौर था बिल्कुल सुने उसे, सुने उसे। परवेज मुशरफ नेशनल आपके वहां से कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइम मिनिस्टर बनते रहे हैं मुइन कुरेशी साहब है वो दूसरे सिटी बैंक के एक मुलाजिम आ गए थे और आप आई एम एफ वाले लोग ले आते हैं वर्ल्ड बैंक के लोग लेके आते हैं आपको सारा ऑपरेट वो करते हैं क्या क्या वजह है क्या मैं समय से सोने सोचने से कासर हो चुका हूं क्या वजह है कि पाकिस्तान में कोई आज पाकिस्तानी कोई नहीं है क्या वजह है क्यों नहीं बचाने के लिए निकल रहे बाहर दो मिलियन लोग हैं पता नहीं जिहाद 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 जिहादाद जिहादियाल हक ने ऐसा टीका लगाया उसके ऊपर तड़का लगाया मेरे इमरान खान ने एक तो वो खूबसूरत बहुत है बहुत है है हैंडसम बहुत बाल उसने फेशियल कराता आधे लोग तो उसकी खूबसूरती के पीछे चले जाते कभी वो रियाते मदीना बना रहा है कभी कहता बरू या कस्ता ही लेकिन मजहब का चूरन तो सभी ने बेचा है सर चाहे वो भुट्टो हो चाहे बेनजीर हो चाहे नवाज शरीफ इमरान खान मजहब का चूरन तो सभी ने बेचा है यहाँ पे लेकिन अब देखे मजहब तो देखे यूएई वालों के पास भी मजहब है सऊदी अरेबिया वाले भी अब जा रहे हैं अब आज कल की खबर थी उन्होंने मस्जिदों में अफ्तारी बंद कर दी है भाई सऊदी अरेबिया में वो साफ वो दूसरी डायरेक्शन पे जा रहे हैं तरक्की वाली साइड पे उन्हें पता है तेल बंद हो जाएगा तो कहां जाए हमारा सांस बंद हो गया अमेरिकी समझ आ रही है अब क्या करें हमारा तो सांस बंद हो चुका है लेकिन चले को करने वाले पता नहीं लेकिन इस वक्त स्टेट आपकी बहुत कमजोर नजर आ रही है स्टेट ये जो दो दो असंबलियां चलेंगी ना अब ये आगे और जिस तरीके से मुर्शद पाक अंदर से कह के मैं जला के भजम कर दूंगा हर चीज को वो बहुत खतरनाक आदमी है वो सियासतदान नहीं है वो ये भाईजान आप ही का प्रोडक्ट है आप दो 2018 में इनको लेकर आए थे जो मैं कहता हूं जो बिल्डिंग बनाता है मिस्त्री उसको पता होता है इसको इसको डिसअसेंबल किस तरह करना है क्यों नहीं कर रहे रोक क्यों नहीं पाकिस्तान बचाने के लिए आप सीरियस क्यों नहीं है लेकिन लेटर को देखेगा क्या इंपोर्टेंस दी जाएगी नहीं नहीं उसकी कोई उसकी कोई जिस तरह से ये एक एक अप है देखें देखे ये, ये, ये वो बंदा यह मैं कोलेटर लेटर लिख लिया ले जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट ये वो बंदा है जिसने पचपन जल से की अमेरिका के खिलाफ साइफर आज वहां लाबिया भी हायर कर रहा है अब अब उनके पाओं भी पड़ रहा है लेकिन दो सौ तो पचास तो मिलियन लोगों में से मेजोरिटी जिन्होंने वोट दिए वो आंखों से अंधे हो चुके कानों से बहरे वो कहते हैं नहीं ये मुर्शद है वो कहते हैं ये खुदा ने भेजा है इसको हमें बचाने के लिए लेकिन तो ये मन... के मुझे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही दुख वाली बात है लेकिन यहाँ पे आ, मैं जो, यूपी जाने का जो, जो प्रोग्राम बना रहा हूँ वहां पे मैंने मुझे पहले पता चला था चार नए एयरपोर्ट बन रही मुझे कल किसी का चार नहीं छह नए एयरपोर्ट बन चुके बन रही और जो इस वक्त आपके जो फेसबुक वाले आ रहे हैं वहां पे

अब आ, मैंने खबर ये सुनी थी कि भारत को प्रमोट कर रहा है कि फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग ना की जाए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने सख्त एक्शन लिया है क्योंकि करोड़ों रुपए यहां से लोग क्योंकि लोगों पास पैसा है लोग करोड़ों के हिसाब से पैसा ले जाके फॉरन डेस्टिनेशन पे वेडिंग करते थे पैसा बाहर जा रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया है इन लोगों के पास देखो पैसा ये कहां से आया और बाहर कितना जा रहा है लोग डर गए फिर मोदी साहब ने आपको पता है वो आइलैंड को प्रमोट किया खुद जाकर स्कूबा तो डाइविंग करते रहे वहां तो उसकी वजह से उन्होंने ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भारत के अंदर ही डेस्टिनेशन देस्टिने, वेडिंग हो ताज वालों के बड़े बड़े अच्छे पैकेज हैं, ताज होटल वालों के वेडिंग तो उन्होंने इन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं बाहर ना जाए

का साइन पड़ा फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना था। उसकी भी दुकान भी नहीं बेच रहेगी ठेला भी नहीं है, इंटों के के बैठा है।, लेकिन पेमेंट है। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल प्लेस पे छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें जितने बाहर ठेले वाले सबके पास यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ये क्या वजह है कि सौ मील के फासले पे कौन की सोच अलग है मैं देख रहा हूं मैं मेट्रो में गया हूं एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने मैं इंडिया से होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि सातवें दफा वो क्लीनर सिटी आया कैसे आया है मैंने उस पर देखा है रिसर्च की लेकिन ये, ये हमारे सौ मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती मेरे ऊपर इल्जाम कोई, कोई आई एस आई का लगाता है कोई राह का लगाता है खुदा का नाम लो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में मेरा कोई मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं ये मैं खुश हूं पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें मैं तो मुझे तो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था अमेरिका में बैठो मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप मुझे मेरा क्या है आप, आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन वो आज के थोड़ी कर रहे हैं मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं अगर पॉसिबल है अपने आसपास से देखो और इनसे नहीं सीखते बंगाली भाइयों से सीख लो यार लेकिन मैं यहां भी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये ये जो मजहबी ये जो रिलीजियस टॉलरेंस सीखने की कोशिश करो रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर ऑफ हर इंसान का उसका अपना रिलेशनशिप जिसके साथ भी है हम जो सारे पैदा होते हैं स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होते हैं हमने उसको किसी ना किसी तरीके से करना होता है कोई भगवान कह लेता है कोई अल्लाह कह लेता है कोई ईश्वर कह लेता है कोई वाहे गुरु कह लेता है कोई मैरी कह लेता है कोई जीजस कह लेता है उसका पर्सनल मैटर है उसको रहने दो यार इससे आगे चलो इससे आगे चलो यही मेरी अम्बल रिक्वेस्ट है लेकिन अः मैं वो दो तस्वीरें जरूर भेजूंगा शेयर कीजिएगा कि बच्चा ईंटों के ईंटों के ऊपर रख के चाय बेच रहा है कनाड प्लेस के ऊपर

बांग्लादेश नेपाल इस सारे रीजन पे क्योंकि ये मेरा सारा घर है हम सारे एक माँ के बच्चे बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे मेरा दूसरा घर जो वो भारत है और बहुत प्यार मिलता है और उसके लिए मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ थैंक यू सो मच सर क्या दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू का होगा अच्छा हो हो जहां पे आपने देखा साजिद तावाड़ा साहब आज भारत के चंडीगढ़ शहर में जहाँ पे उन्होंने चंडीगढ़ से लेके भारत की तारीफ की भारतीयों की तारीफ की और ना सिर्फ भारतीयों की तारीफ की बल्कि भारत के प्रधानमंत्री का जो इनिशिएटिव है चाहे वो मैरिज इन इंडिया हो या फिर बिजनेस टूरिज्म को प्रमोट करना हो उसकी भी जमकर तारीफ की तो आशा करता हूँ पसंद आई होगी जहां पे साजिद साहब ने ये भी बोला कि वो भारत भारत से बहुत सारा प्यार लेके जा रहे हैं और भारत उनका दूसरा घर है तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और स्पेशल वीडियोस लाते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत